नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां यूपी विधानमंडल का 4 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है और सत्र के पहले दिन नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के दिवंगत नेता आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनके निधन से हम सभी दुखी हैं और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बताया जा रहा है कि सत्र में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को हर मुद्दे पर जवाब देने की रणनीति बनाई है, तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां सत्र प्रारंभ होने से पहले लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने और सकारात्मक चर्चा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब दें। जबकि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि सदन की गरिमा को बनाए रखें। अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें और कोई भी महत्वपूर्ण कोई भी मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है। पूरी तैयारी के साथ वहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर विश्वास करूंगा कि हमारे विपक्षी दलों के माननीय सदस्य भी सदन की इस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में रखने और इस कार्यक्रम को, शीतकालीन सत्र को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को, जो आज इस शीतकालीन सत्र का भाग बनने जा रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। इसमें सभी मंत्री अपने विभाग के कामकाज को प्रस्तुत करेंगे, साथ ही मंत्रियों के साथ विधानमंडल के सत्र पर भी चर्चा होगी। बता दें कि कैबिनेट बैठक में उच्चतर सेवा नियमावली 1975 में संशोधन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन नियमावली समेत करीब 26 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। फतेहपुर जनपद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। नहर कॉलोनी में संविधान जागरूकता समारोह राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करने पहुंचे, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनवरी में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब यहां आंख में धूल झोंका जा रहा है, भगवान राम को हजारों लाखों सालों से पूजा जाता है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आराध्य है भगवान राम, सभी उनको भगवान मानते हैं जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं और हजारों साल से उन्हें पूजा जा रहा है। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्या, आखिर नौटंकी क्यों, भगवान राम से बड़े हो गए हो क्या, ये धर्म नहीं है, ये यहाँ के एक चतुर्वर्ग के लोगों का धंधा है। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की उनके प्रति आस्था, करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जमा किया जा सकता है। भाई प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं।
बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है। अगर सही माने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उसके उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे कोई झुंडा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके। भारत की जनता पिछले लोकसभा चुनाव में यूपीए और एनडीए दो राजनीतिक गठबंधन का चुनावी मैदान में कड़ा मुकाबला देखा करती थी, लेकिन माहौल और समय के साथ यूपीए गठबंधन ने नया गठबंधन तैयार कर पुराने नाम को ही बदल दिया है। अब इस नए गठबंधन को इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। इंडिया गठबंधन के इन दिनों राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। वहीं बीजेपी नेता इस गठबंधन को ठगबंधन नाम दे रहे हैं। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आगरा फिरोजाबाद एमएलसी विजय शिवहरे को मेरठ जिले का प्रभारी बनाए हैं। विजय शिवहरे बीजेपी सरकार में प्रदेश मंत्री हैं और पूर्व में आगरा के महानगर अध्यक्ष की भी कमान संभाल चुके हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों पर प्राइम टीवी के संवाददाता ने विजय शिवहरे से खास चर्चा की है। देश में 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे, जो आगरा फिरोजाबाद एमएलसी भी हैं। इनसे जान लेते हैं प्रदेश में किस लेवल से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार तैयारियाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन वर्ष में होते हैं, 365 दिन वो काम करता है। बूथ जीता चुनाव जीता के आधार पर कार्यकर्ता काम करता है। एक नया प्रयोग हम 2024 में करने वाले हैं, जो हमने 22 के चुनाव में करा कि पन्ना प्रमुख की टीम, जो मतदाता सूची होती है पन्ने का प्रमुख की एक नाम, उसके 4+ कार्यकर्ता जोड़ के एक पन्ने पर 5 कार्यकर्ता, इस स्तर पर हम तैयारी हम लोगों ने की है। और मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश और प्रदेश में काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई टिक पाएगा। ये विपक्ष के लोग, इंडिया जो बनाया है ना, ठगबंधन कहीं नहीं टिकेगा। इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करें, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में 2014 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने तमाम आगरा की जनता से वादे किए थे। पहली रैली थी आगरा की और वादे किए गए थे बैराज का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें, खंडपीठ की बात करें, तो आगरा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया। 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। इस बार क्या लगता है, क्या मुद्दा रहेगा? मैंने मोदी जी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। आगरा की बात करोगे तो बाईपास पे जाम की स्थिति बनी रहती थी। मैं 4 फ्लाईओवर बना के सिकंदरा से लेके और वाटर वर्क्स तक जो दिए निजात पाने का काम हुआ, नंबर एक। नंबर दो, आपने एयरपोर्ट की बात, एयरपोर्ट का काम चालू हो चुका है, आपको जानकारी रहनी चाहिए इस चीज़ के लिए। और बाकी जो सुविधा चाहिए, सबसे बड़ा काम मेट्रो ट्रेन आगरे को मिली। ये एक सपना होता है मेट्रो ट्रेन शहर के लिए, वो आगरे को मेट्रो ट्रेन सपना के रूप में मिली। डेवलपमेंट्स आगरा के अंदर जिस तरीके से पर्यटक की दृष्टि से जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए, हर मेमोनमेंट पे फसावट लाइट के साथ नाइट विजन में ये काम हो, ये बराबर काम चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी पे विश्वास और योगी जी पे विश्वास देश की प्रदेश की जनता का पूरा है। जब बात करें खंडपीठ की, तो यहाँ पर कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल रहे, उसके बाद भी खंडपीठ यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई। और समाजवादी पार्टी के जो विपक्षी नेता हैं, लगातार आरोप लगाते हैं, जो आगरा में मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन थी, अखिलेश यादव की देन थी, ऐसा समाजवादी पार्टियों के लोगों का आरोप है। कोई समाजवादी पार्टी के लोग कहते रहते, उनके पास कोई विज़न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास विज़न है। खंडपीठ की बात करिए, माननीय एसपी सिंह बघेल साहब जो हमारे सांसद हैं, उससे पहले मनी रामशंकर जी, दोनों लोगों ने प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि खंडपीठ जो आगरा की एक मांग है, बड़ी मांग है, मुझे लगता है कि समय और वक्त आएगा तो वो काम भी पूरा होगा। मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ ये बात। 2024 लोकसभा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन है, क्या लगता है इस बार 2024 चुनाव में?
आप इंडियन एयरलाइंस कह रहे हो, मैं वैसे कह रहा हूँ ठगबंधन। वो ठगबंधन है, इंडियन एयरलाइंस नहीं है, ठगबंधन कही उसे आप। और भारतीय जनता पार्टी NDA ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी, 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर बनेगी, क्योंकि सर्वे भी कहते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी कहता है और जनता कह रही है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 140 करोड़ जनता कह रही है। एक वर्ग ये कहता था कि भाई हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आज वो वर्ग भी हमारे साथ खड़ा हो गया कि भाई मोदी ये तो मुमकिन है। तो मुझे लगता है मोदी ये तो मुमकिन है और योगी जी ये तो मुमकिन है। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे आगरा फिरोजाबाद MLC विजय सिवरे। इनका साफ तौर से कहना है 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ जीशान अहमद, Prime TV आगरा। यूपी में मौसम अब तेजी से करवट ले रहा है और दिन में जहां ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, वहीं रात का तापमान भी तेजी से अब कम होने लगा है। अलीगढ़ में देर रात रुक रुक कर बारिश होती रही और खराब मौसम को देखते हुए अलीगढ़ में 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर मंडल के 6 जिले कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज और कानपुर नगर में भी आज बारिश की संभावना है और आज सीजन का पहला घना कोहरा छाया रहा। साथ ही अयोध्या और कानपुर में सबसे ज्यादा ठंड रही है और दोनों ही शहरों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रुक करते अगली खबर का, जहां गोंडा में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान करवा गोंडा जिले पहुंचा है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री नकुल दुबे का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान नकुल दुबे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस से प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेंगे। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। ईमान के वास्ते और संविधान के रास्ते, इस बैनर के तहत, इस हेडिंग के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और संविधान का कैसा माखौल उड़ाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में, इसी पर एक चर्चा थी, उसी पर गोष्ठी भी थी और इसी क्रम में आज गोंडा जनपद में आना हुआ कार्यक्रम। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध बटेश्वर लोक मेला और कार्तिक पूर्णिमा पर तीर्थ बटेश्वर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला है, जिसको लेकर जिला पंचायत और पुलिस प्रशासन ने मेले की तैयारी और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली है। साथ ही मंदिरों के साथ यमुना घाटों पर CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी जारी है। वही बटेश्वर यमुना घाट मेला क्षेत्र में गंदगी के अंबार देखकर श्रद्धालुओं में नाराजगी भी देखी जा सकती है। पूजा करने आई है, यमुना में स्नान करने आई है, ये कचरा और इसको देख करके क्या कहेंगे? वैसे तो उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला है, लेकिन जितना फंड आता है जिला पंचायत आगरा को, मुझे लगता है सफाई जो हो रही है ये नाकाफी है, ये संतुष्टि वाली नहीं है। सफाई होनी चाहिए यहाँ पे और जो भी अतिक्रमण है यहाँ पे उसकी सफाई होनी चाहिए। श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जगह होनी चाहिए नहाने के लिए भी और जितनी भी। अगली खबर औरैया से है, जहां बिधुना कोतवाली क्षेत्र के बिधुना छिबरामऊ रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दो ट्रकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और हादसे में एक ट्रक ड्राइवर ट्रक के केबिन में बुरी तरीके से फंस गया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला और CHC बिधुना में इलाज के लिए भर्ती करवाया है, जहां डॉक्टर्स ने फिलहाल उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए है। देखिए, यहाँ एक संदीप कुमार नाम की एक मरीज आया था, तो उसको छोटी मोटी चोट थी, उसको तो इलाज करके छोड़ दिया गया है। और एक ब्रॉड डेड आया, BC नाम का आदमी जो टीका पड़कर रहने वाला था, उसको ब्रॉड डेड यहाँ लाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।